यूं ही नहीं लिख देता शायर कोई मसला उसे किसी की बाहों में जलते हुए देखना पड़ता है। उसे किसी की बाहों में चलते हुए देखना पड़ता है जिसे तुम पढ़ देते हो सिर्फ शब्दों की तरह, आंसुओं की स्याही से उसको रंगना पड़ता है। मैं स्टोरी शुरू करता हूँ, ये प्रेम कहानी मेरी फिलहाल तो सुनेगा। मेरी जो स्टोरी का टाइटल है इससे कुछ नहीं हो रहा है अभी, तो मैं खाती रहा हूँ लेकिन सुन लीजिए। हाँ ये मेरा इस कभी अधूरा था। देखा जब पहली बार मैंने उसे, तब मैं बहुत टूटा था, कुछ खुद से तो कुछ घर वालों से रूठा था। मगर उसे ब्लू ड्रेस में देखकर ये साइंस के स्टूडेंट को तो समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। मगर उसे ब्लू ड्रेस में देखकर, यहाँ लड़कों में किस किस का फेवरेट कलर है, कुछ फेवरेट कलर नाम की चीज पक्का लड़की का चक्कर होगा, मैं सच्ची अच्छी बता रहा हूँ, नहीं तो इन लोगों को अंडरवियर नहीं पता होता। तो मेरी ये लाइन है, मगर उसे ब्लू ड्रेस में देखकर 30 मिनट के प्योर के कम वेवलेंथ वाले ब्लू कलर को जाना था, धूप और बारिश के संगम में छुपे हुए ब्लू कलर को पहचाना था। 8 महीने कॉलेज में उसे देखते कब बीते पता ही न चला, और उसे मेरे अस्तित्व का पता नहीं। अगली लाइन सब करते हैं और अगर समझ में आए तो ताली बजा देना। उसे मेरे धरती पर अस्तित्व का पता नहीं, पर मैंने उसका पोर्टफोलियो बना डाला था। मगर मैंने उसका पोर्टफोलियो बनाया था। ये एक तरफा प्यार का एहसास मुझे पूरा था लेकिन मेरा इस कभी अधूरा था। अच्छा, जब हम पहली बार देखते हैं उसको तो हम शायर कोई ना कोई पल चूज करते हैं जिसपे हम अपनी शायरी लिख देते हैं, ऐसा ही होता है। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है, अगर आपको लगे हाँ मुकम्मल हुआ तो तालियां बजा दीजिएगा। तेरे दीदार को मैं अल्फाजों में पिरो दूं, तेरे नजरे करम पर हजारों शायरियां लिख दूं, हुनर जिंदगी का क्या है ये मुझे आज पता लगा, तू जो ये पल जो ठहर जाए तुझ पर पूरी किताब लिख दूं। ये इसके बाद जो लिखा है, मैं रात भर देहरादून से ट्रैवल करके आया हूँ उसके लिए, तो जो लिखा है रात भर जग के, वो गलियां आज फिर हम चूम आए अपने महबूब की याद में रात भर जाग गए ट्रेन में सफर में, फिर वही मंजर आंखों में समाया है जब बीच मझधार में तुम हमें छोड़ आए बंद नजरें आज भी तुम्हारा चेहरा देखती हैं और तुम अपनी नजरों में किसी और को समाए। रिकॉर्ड योर पोएट्री शायरी स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन Nojoto app. Download the app now.